अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार के बाद हजारों लोग कुर्बान हुए, हजारों लोग बलिदान हुए, शहीद हुए, और फिर जाकर के हमें ये दिन देखने को मिला 15 अगस्त 1947 को, और हम आज़ाद हुए, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन आज जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उसका महत्व हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि गुलामी क्या होती है हम पिंजरे में बंद पंछी से समझ सकते हैं कि गुलामी क्या होती है, और किसी रस्सी से बंधे हुए जानवर से समझ सकते हैं कि गुलामी क्या होती है। इस तरह की स्थिति हम हिंदुस्तानियों की थी और आज़ादी हमें आज मिली है, तो इसका महत्व समझते हुए हमें भारत माता के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रयास से, देश महान तभी बनता है जब लोग महान होते हैं, तो हमें ऐसा कुछ काम करना है अपने अपने क्षेत्र में कि हमारे देश का नाम ऊंचा हो और समस्त विश्व पटल पर भारत का जो तिरंगा है सबसे ऊंचा रहे, ऐसा हमें कुछ करना है, और इसके लिए हम सब ज़्यादा जिम्मेदार हैं। आप सभी जो है यहाँ पर ज़्यादातर छात्र हैं, और अभी आगे आपके सामने पूरा जीवन पड़ा है, लक्ष्य है, तो हमेशा ऊंचा लक्ष्य बनाना है और अपना टारगेट बड़ा करना है, और बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करके अपना भी, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम तो रोशन करना ही, साथ ही साथ अपने देश का भी नाम रोशन करना है। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग आज यहाँ पर एक संकल्प लेकर के जाएं कि आप जो छात्र हैं यहाँ पर मन लगाकर पढ़ें, और आगे जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए लगातार दिन रात मेहनत करें, और भारत का जो ये तिरंगा है और भी ऊँचा लहराए पूरे विश्व में। इसी के साथ मैं अपनी